आज विराट कोहली की ग्रेटनेस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट बहुत अच्छा खेल लिया, हम सीखेंगे। अबे तुमके बावर का फेवरेट शॉट ऑन ड्राइव है, अबे ऑन पे ही आउट कर दिया उसने, इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारी रिफ्लेक्ट। पूपू पापा इंडियन से इतना बाजा बजाया, मैं सर बचा के निकला हूं। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करें। पाक मीडिया रो रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया और पाक मीडिया अब इसके लिए नो बॉल को जिम्मेदार ठहरा रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत ने नो बॉल का बहाना लेके ज़्यादा रन बना लिए आखिरी ओवर में ताकि भारत जीत जाए, और पाक मीडिया यहाँ पे बाबर आजम पर भी रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि बाबर आजम को भारत ने उसके उसी मूव पे आउट कर दिया जिस पे वो माहिर था। तो इससे पता चलता है कि बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है। तो यहाँ पे पाक मीडिया भारत के जीत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो ऐसा पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। कहा था आपको कि ये बेटा बच्चों की गेम नहीं है, यहाँ पे मसल्स नहीं चाहिए, यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। वो कहा गधे जो कहते थे विराट कोहली को घर बिठाएं, वो कहा उल्लू की दुमे जो कहते थे विराट कोहली खत्म हो गया, वो कहा अपने आप को बड़े बड़े क्रिकेट के बाप समझते थे, समझ आई असल बाप कौन है? जनाब हाथ तो आया मुंह ना लगा, एम्पायर ने गलत नो बॉल दी, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता हुआ मैच हार गया। मेलबर्न में भारत ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को 4 विकेटों से शिकस्त दी। देखें बाबर की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भंड मारने का चैंपियन बन चुका है अभी। सर कौन करेगा, चेयरमैन साहब की तारीफ बिल्कुल करना पड़ेगा। देखिए अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फेवर करते हैं ना बजाय इन चंद प्लेयरों के, चेयरमैन कहता है कि बाबर के अलावा मैं सोचता नहीं हूं। वो चेयरमैन खुद बाबर की तरह टीम में आया, टीम के ऊपर आया हुआ, तो वो सबको ही पता है। देखिए यार इस फॉर्मेट में पहले ही बाबर मिसफिट है, भले वो आईसीसी उसको अपनी गोद में बिठा के रखे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। सुने अगर उसको इमामुल्लाह को टीवी इंटरव्यूज में कितनी दफा कह चुका है कि बाबर का फेवरेट शॉट ऑन ड्राइव है, अबे ऑन पे ही आउट कर दिया उसने, इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारी रिफ्लेक्सेस ही खत्म हो गए, या फिर मतलब बॉल का इतना वेट कर रहे थे कि वो पैड पे लग जाए फिर तुम बल्ला चलाओगे। तो यार बहुत सारी चीजें हैं जो बाबर से मालूम करने वाली है, आप इनकी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे ये आपको उसी तरह फिरकी घुमाते रहेंगे कि इट्स नॉट ओवर एंटिल इट्स ओवर, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। आज भी वो सुना है वो ड्रेसिंग रूम में जाके खिलाड़ियों को गिरना नहीं है, मतलब तुम्हें कोई भी गिराता रहे तुमने नहीं गिरना, तुमने खड़े ही रहना है, मतलब हम सबक सीखेंगे। अबे भाई तुम क्या सबक ही सीखने के लिए गए हो वहां पे, तुम कभी और कुछ करने के लिए नहीं गए? अपने रन हो जाते तो ये चौड़े बन जाते हैं जनाब। जीता हुआ मैच आप निकाल गए, इंडिया की थकी हुई बॉलिंग के अगेंस्ट आपसे 160 उसके अंदर भी इफ्तिखार के 50। पूपू पापा इंडियन से इतना बाजा बजाया, मैं सर बचा के निकला हूं और सर्दी हो गई थी तो इसलिए, और चीख चीख के सारा दिन। एक तो भाई हार्ट अटैक आ रहा है, मैच नहीं आ रहा, आ रहा है नहीं आ रहा, मैं 4 बार आखिरी ओवर में ना उठाऊं के मैं निकल रहा हूं, फिर ना बैठ जाता हूं, फिर कुछ बॉल में कुछ हो रहा है। अबे अजीब ईसीजी कराने मतलब मशीनें लगवानी चाहिए इनको, ईसीजी की गलत ही गया, आखिरी बॉल तक बनता था नहीं, वो अजीब हरकतें हुई हैं। एनीवे पाकिस्तान की इंडिया के हाथों शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट के मिले जुले जज्बात हैं। किसी ने कहा कि स्पिनर को लास्ट ओवर नहीं देना चाहिए था, तो किसी ने व्हाइट बॉल पर छक्के को मैच का टर्निंग पॉइंट करार दे दिया। हार गई इंडिया, जीत गई। हमारे साथ शायकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की गलतियां कहां पे हुई, आखिरी गेंद पर फैसला हुआ। सर स्पिनर को लास्ट में ओवर नहीं देने का, एक्स्ट्रा फास्ट बॉल खिलाना चाहिए, जब इफ्तिखार बॉलिंग कर सकता नवाज को डालने की क्या जरूरत है, मोहम्मद वसीम को खिलाए। एक स्पिनर का ओवर मुश्किल था, इसमें स्कोर लग सकता था, बट वो टीम प्ले वेरी वेल, वन ऑफ देम हैज टू विन। नहीं मैच काफी अच्छा था और काफी दिलचस्प था लास्ट मोमेंट तक, लेकिन नवाज की गलती नहीं है। ये झूठ साजिशें बेतुका बोलना, गैर जरूरी बोलना, ठीक है आज विराट कोहली की ग्रेटनेस के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं कि विराट बहुत अच्छा खेल लिया, हम सीखेंगे। अबे तुम क्या, तुम नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाबर की बात कर रहा ओवरऑल बात की जा रही है कि विराट कोहली द चैंपियन प्लेयर। अबे भाई वो चैंपियन है, दुनिया को पता है। तुम 2 ओवर के बाद से 20 ओवर तक आग से खेलते रहे, बाबर को पता नहीं था कि कोहली क्या गेम बिगाड़ सकता है तुम्हारा? भाई 12वें ओवर में जब आपके नवाज को 20 रन पड़ गए तो 48
40 बॉल है पहले बाबर आजम के कान खड़े क्यों नहीं हुए कि इसको ओवर फिकवा दूं। शादाब को बचाना तुम्हें याद रहता है? 15 ओवर के अंदर तुम शादाब को बचा के निकल जाते हो, क्योंकि तुम उसको बैक करना होता है तुम्हें, यानी कि तुम अपने अपने बचाने वाले आदमी को तुम बचा के चले गए। अबे ये आसिफ टुल्ले को क्यों रखा हुआ है टीम में? ये शोएब अख्तर का ट्वीट आप मुझे अभी दिखा रहे थे कि वो आईसीसी को नो बॉल के ऊपर ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। ये बताएं कि ये पिंडी बॉय किसकी पर्ची है भाई, ये किसकी छतों पे छक्के मार रहा है? पाकिस्तान के तोते उड़वा दिए, यानी कि जीता हुआ मैच यार। 2 अरब से ज्यादा लोग आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए आप ऐसी की तैसी करवा के, आप सुन ले मेरी बात। आप इंडिया के पास खेल कौन रहा था आज बॉलर मुझे बताएं? शामी सिर्फ एक ही सीनियर बॉलर था उनके पास। यार आपके पास आईसीसी का नंबर 1 रिजवान, नंबर 3 बाबर, 2 साल से चले के झाड़ पे चढ़ाया हुआ आईसीसी ने तुम्हें, और मास्टर क्लास तुम्हारी बताई जा रही होती है। तुमने अच्छी बॉलिंग को खेला किधर है यार आज? एक शामी को जिसकी अकाउंटेबिलिटी हुई लास्ट ईयर पूरे इंडिया ने मैच किया, उसको अभी अर्शदीप को एशिया कप में पूरे इंडिया ने मैच किया, अकाउंटेबिलिटी तो उनकी होती है, उनको डर है परफॉर्मेंस देने का। भाई तुम्हें डर ही नहीं है, तुम्हें पता है कि हमने तो खेल रही है, अपनी सेंटी के बनाए जो और टीम में जुड़े रहो। वो कह रहे हैं कि मैं सबक सीखा। मैं तुम्हें सबक सीखने के लिए मैच जीतने के लिए भेजा यार। ओवर कॉन्फिडेंट टीम नजर आई, और विराट कोहली से थोड़े से हमें नर्व्स के मामले में खाइफ नजर आए। ये मैच पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं आ रहा है, ये मैच पाकिस्तान अपना जो है वो चिकन हार्टेड होने की वजह से आ रहा है, क्योंकि इतना आपका बड़ा दिल ही नहीं था कि आप विराट कोहली को उस प्रेशर में, उस टेंस सिचुएशन में जाके आप उसको परफॉर्म करने से बाज रखते, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ग्रेट प्लेयर है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं। तो दोस्तों मैं पहले कहना चाहता हूं कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और इसीलिए भी क्रिकेट पर मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं देता। अगर कोई महत्वपूर्ण चीज़ हो, जैसे ये मैच था कल का, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। तो पाक मीडिया ने जो कहा कि विराट कोहली की वजह से भारत जीता है, तो ये बात सही है। विराट कोहली ने ही भारत को जीत के तरफ ले गया, और कोहली को जो क्रिटिसाइज करते थे उनको भी अच्छा जवाब मिल गया, और ज़्यादातर लोग पाक मीडिया में ही कोहली का मजाक उड़ाते थे, अब कोहली के ऊपर ही पाक मीडिया रो रहा है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि नो बॉल पे भारत ने गलत फैसला लिया, तो नो बॉल पे फैसला अंपायर ने दिया था, और पाकिस्तान को अगर कोई प्रॉब्लम थी तो पाकिस्तान को तब कहना चाहिए था, ना कि हारने के बाद। तो हारने के बाद पाकिस्तान सिर्फ रो रहा है और कुछ नहीं। और पाक मीडिया जो बाबर आजम को यहाँ पे खरी खोटी सुना रहा है, तो जब पाकिस्तान जीतता था तब तो ये बाबर आजम की तारीफ करते थे, और जब पाकिस्तान हार गया तब इन्हें बाबर आजम में सारी खामियां दिख रही है। तो पाकिस्तान को सिर्फ बहाना चाहिए कि पाकिस्तान भारत से क्यों हारा, और इसलिए पाक मीडिया अब इसके लिए सिर्फ बाबर आजम को दोष दे रहा है और कुछ नहीं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि विराट कोहली की वजह से ही भारत आज पाकिस्तान से जीता है, और इसके लिए विराट कोहली को बहुत बहुत बधाई। और नो बॉल पाकिस्तान का सिर्फ बहाना है क्योंकि पाकिस्तान हार गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।